Hello everyone, a very cheerful good evening to all of you. This is Rahul Mina. Welcome you all on the official YouTube channel of Adda 24/7. So दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप लोग अड्डा 24/7 का जो एप्लीकेशन है इसे जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा. इस एप्लीकेशन पर काफ़ी सारा फ्री कंटेंट मिलता है आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, राइट. और आप लोग इस पर अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हो, अपने डाउट्स सेंड कर सकते हो, चाहे वो पिक्चर के फॉर्मेट में हो या फिर टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो. चलिएगा दोस्तों, आज का जो सेशन रहने वाला है उसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि इज नाबार्ड ग्रेड ए वर्थ प्रिपेयरिंग फॉर, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के डाउट बने रहते हैं कि सर नाबार्ड के लिए हमें प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर ये भी एग्जामिनेशन टफ है तो क्या हम डायरेक्टली आरबी ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये ग्रेड ए लेवल की जॉब है ना. सो दोस्तों इसी के रिगार्डिंग हम लोग हमारा पूरा सेशन रहेगा और वही चीज़ हम लोग यहाँ पे आज डिस्कशन करने वाले हैं. चलिए, सो एप्लीकेशन ऐप तो जरूर से डाउनलोड कर लें, क्योंकि देखिए एप्लीकेशन ऐप को जब डाउनलोड करते हैं और अगर किसी पीड बेच में एडमिशन लेते हैं आप लोग, सो इस रेफरल कोड के थ्रू आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी वहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है. और आप सभी को पता है कि हर त्यौहार पर अड्डा 24/7 आप सबके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करता ही करता है, राइट. वो अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको काफ़ी अफोर्डेबल बना देता है आप सभी के लिए. और दोस्तों अफोर्डेबिलिटी के साथ में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है. देखिए डबल वैरायटी विथ मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप इस रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हो, है ना, इस रामनवमी. सो Y710 यूज़ करिए किसी भी प्रोडक्ट के लिए फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात अगर ये नाबार्ड ग्रेड ए के एग्जामिनेशन की अगर कर ले हम लोग, सो नाबार्ड ग्रेड ए में जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है, मेरे लिए है ना, पोस्ट आपके यहाँ पर होने वाली है असिस्टेंट मैनेजर की. और यहाँ पर जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो आपकी सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस, फैसिलिटी, हर वो चीज़ जो आप लोग सोच रहे हो सब कुछ आपको मिलेगा. ऐसा नहीं कि नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जामिनेशन है तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो किसी रूरल एरियाज़ में होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है. आपकी जो पोस्टिंग है वो मेट्रो सिटीज़ के अंदर ही होगी, स्टेट कैपिटल्स के अंदर ही होगी इसमें, है ना. और देखिए किसी भी एग्जामिनेशन को अगर क्रैक करना है तो कुछ पॉइंट्स होते हैं हमेशा, है ना, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए. जैसे कि सबसे पहला काम क्या हो गया इसका, सिलेबस, कि कोई भी एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो. सेकंड थिंग होती है उसका PYQs, है ना. तो यहीं से आपको आइडिया लगता है कि इस एग्जामिनेशन में किस लेवल के किस हद तक के क्वेश्चन बनते हैं मेनली. और उसके बाद में एक आपका स्टडी प्लान प्रॉपर होना चाहिए कि उस पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमारा स्टडी प्लान किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से रखना होगा ताकि इस एग्जाम में अपन और अच्छे से परफॉर्म कर पाए. देन लास्ट थिंग होती है कि राइट सोर्स. अब राइट सोर्स या तो सेल्फ स्टडी से अगर कर रहे हो तब भी आपको एटलीस्ट टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म की, है ना, टेस्ट सीरीज. लेकिन अगर किसी पेड बेच के साथ आप अपनी प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ तो सारी की सारी चीज़ें आपको वहीं प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड कर देगा, उससे बाहर की चीज़ें आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट. चलिए देखिए नाबार्ड ग्रेड का जो एग्जामिनेशन है दोस्तों वो तीन फेज का एग्जामिनेशन है, जिसके अंदर फेज वन आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, फेज टू आपका ऑब्जेक्टिव विथ डिस्क्रिप्टिव रहेगा, और एक आपका इंटरव्यू वाला पार्ट है ना. सभी लोग इस बारे में जानते हैं कि तीन फेज का अपना एग्जामिनेशन होने वाला है. इसके अंदर देखिए जो स्टार्टिंग के काफ़ी सारे सब्जेक्ट जो हैं इसके अंदर, जिसके अंदर आप लोग देखोगे रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर नॉलेज हो गया, क्वांट सेक्शन हो गया आपका, डिसीजन मेकिंग हो गया, ये सारे पार्ट जो है फिफ्थ वाले, ये पांच पार्ट जो देखे जाएंगे ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है. इन सबको सिर्फ क्वालिफाई करना है बेसिकली, राइट, ठीक है. और बाकी जो आपकी मेरिट लिस्ट एक तरह से बनती है वो बनती है इस वाले सेक्शन, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस हो गया, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू वाला पार्ट हो गया, एंड ARD, है ना, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. तो यहाँ से आपका जो मेन सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है, ठीक है. आपने देखा भी होगा मेनली कि देखिए क्वालिफाइंग सेक्शंस के अंदर हम रीजनिंग को, इंग्लिश को, कंप्यूटर को, क्वांट को और डिसीजन मेकिंग को, ये सारा पार्ट सिर्फ क्वालिफाइंग सेक्शन है, लेकिन क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है. और मेरिट सेक्शंस की अगर बात करें तो ये सारा पार्ट मेरिट सेक्शन का, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस, ESI और आपका ARD का जो पार्ट है ये आपका कैसा रहेगा, मेरिट सेक्शन का रहेगा, ठीक है. और मेरिट सेक्शन का जो स्कोर रहेगा उसी के थ्रू डिसाइड होगा कि आप लोग मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हो या फिर नहीं, ठीक है. अब अगर फेज टू की अगर बात कर लोगे आप लोग तो फेज टू के अंदर भी आपके दो पेपर्स हैं, जिसके अंदर पेपर वन जो होगा ये आपका जनरल इंग्लिश का होगा, जिसके अंदर ये ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है. तो तीन क्वेश्चन इसके होते हैं, 100 मार्क्स 90 मिनट्स. वहीं पर पेपर टू की अगर बात कर ले तो यहाँ पर भी देखिए ESI और ARD ये दोनों के दोनों आपके यहाँ पर भी रहेंगे. अब इसमें थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना. तो इसके अंदर भी डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो कि 6 क्वेश्चंस होंगे, और ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट कितना है, 30 क्वेश्चंस इसके रहने वाले. तो एग्जामिनेशन पैटर्न को जानना जरूरी होता है, ठीक है. तो हर वीडियो के लिए हम बता ही देते हैं. और लास्ट थिंग दोस्तों, जो आपकी बात की इंटरव्यू की, तो 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू, देन विजोमेट्रिक टेस्ट आपका रहता है, ठीक है. और इंटरव्यू के लिए आप लोग फ्लेक्सिबल हो, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में, आप लोग जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें आराम से इंटरव्यू दीजिएगा, ठीक है. चलिए तो दोस्तों देखिए, अगर थोड़ा सा नाबार्ड को जान ले हम, है ना, कि द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. क्या है ये? ऑल इंडिया एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, एंड एन एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर ओवरऑल सुपरविजन, है ना. इसका काम क्या है मेनली? सुपरविजन. तो सुपरविजन किसका?
ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स जितने भी रीजनल रूरल बैंक है उनका, एंड स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक्स, तो जितने भी स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक्स होते हैं उनका भी सुपरविजन नाबार्ड ही करता है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉरपोरेटिव बैंक्स जो होते हैं इंडिया के अंदर उनका भी जो सुपरविजन है वो किसके अंदर रहता है, नाबार्ड के अंदर रहता है। तो जब आप नाबार्ड ग्रेड ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करोगे तो ये मत सोचेगा कि आपका काम बहुत छोटा होने वाला है, ठीक है, या फिर ऐसी कुछ चीज आना चाहिए, राइट, ठीक है। उसके अलावा दूसरों और अगर टास्क आप देखोगे यहाँ पर, सो मैनेजरियल टास्क, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर आप ज्वाइन करने वाले हो, सो मैनेजरियल टास्क जितने भी होते हैं एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट के, वो सारे के सारे आपके अंदर आएंगे, जिसके अंदर असिस्ट द मैनेजर बाय मैनेजिंग वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क डिजाइंड बाय CGM, है ना, एड्रेस पॉलिसीज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद इन डिफरेंट स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। उसके अलावा इंगेजिंग इन एक्टिविटी विद इन रूरल एरियाज इन कोलैबोरेशन विद बैंकिंग सेक्टर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, मतलब जितनी भी तरह की स्कीम्स होगी, है ना, या फिर जितने भी तरह की नई नई स्कीम्स के बारे में आपके पास एक्टिविटी रहेगी वो सारे के सारे आप लोग फील करोगे यहाँ पे। साथ साथ ही दोस्तों अगर आपको ये देखना है कि नाबार्ड के फंक्शंस के अंदर क्या क्या कंडीशन रहती है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये नाबार्ड के फंक्शंस के अंदर आती है मेनली, ठीक है। सो अगर आप लोग देखोगे इसके अंदर कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल्स, कॉटेज, विलेज इंडस्ट्रियल्स, हार्ड क्राफ्ट एंड अदर अलाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज टू प्रमोट प्रॉस्पेरिटी इन रूरल एरियाज, तो ये भी इसके अंदर आता है मेनली, ठीक है। और अगर देखोगे आप तो नाबार्ड के पावर के अंदर ये सारी की सारी चीजें आती है, जैसे आपको अभी बताया था, ठीक है, कि स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक्स वाला पार्ट इसके अंदर है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक्स वाला पार्ट इसके अंदर है, रीजनल रूरल बैंक वाला पार्ट इसके अंदर है ना। तो इसी सबके जो सुपरविजन वाली पार्ट है उसको मेनली नाबार्ड हैंडल करता है, ठीक है। और साथ साथ अगर थोड़ी सी चीजें अगर आप और देख लो, ठीक है, कि नाबार्ड की जॉब जो है वो अच्छी है फिर नहीं है, तो देखो दो नाबार्ड के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन्होंने 5 में से अगर रेटिंग देखोगे तो 4.3 रेट किया हुआ है, ठीक है। देखो किसी भी एग्जाम मतलब जॉब जब करते हो तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होती हुई चीज़ें होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो इतने सारे एम्प्लॉयज़ ने 4.3 स्टार किए हैं आउट ऑफ 5, तो नाबार्ड की जॉब भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया जॉब है, ठीक है। और देखिए जैसे आप नाबार्ड ग्रेड के तौर पर जॉब ज्वाइन करोगे मेनली, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आपकी जो आगे बढ़ने के चांसेस एक तरह से करियर को लेकर वो बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप कंपेयर करोगे आरबी ग्रेड बी के कंपैरिजन में, क्योंकि आरबी ग्रेड बी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर आपका जो एक तरह से देखा जाएगा कि ग्रोथ वाला पार्ट है, है ना, तो वो थोड़ा सा डिले रहता है, मतलब लेट ग्रोथ होती है वहाँ पर। मतलब मान के चले कि अगर आप प्रमोशन की भी बात करेंगे सो 5 to 6 ईयर्स लग जाते हैं एक प्रमोशन लेने के अंदर, है ना, 5 से 6 साल उसके अंदर एक प्रमोशन को लेने में लग जाते हैं। और उसके साथ साथ भी कई सारे एग्जामिनेशन भी आपको उसमें भी देने पड़ते हैं, कई बार तो कुछ प्रमोशन के लिए आपका डिस्क्रिप्ट वहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन भी होता है, और कुछ है पोस्ट के लिए आपका वहाँ पर मतलब इंटरव्यू भी होता है मेरा, ठीक है। लेकिन नाबार्ड के अंदर भी क्या रहेगा कि सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर भी रहेगा आगे बढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा रहेंगे, मतलब कि एक तरह से छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि आपको चांसेस ज़्यादा मिलते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें अच्छे से। और दोस्तों देखो अगर नाबार्ड ग्रेड को अगर जो ज्वाइन किया तो उसके अंदर अगर आप इन सब चीज़ों को लेकर थोड़े से परेशान रहते हो अगर, तो देखिए वर्क की अगर बात कर लें तो जैसे वर्क के अंदर आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि नाबार्ड के अंदर क्या होता है ना कई सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर अगर बात करोगे जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया आपका, ठीक है, उसके अलावा जैसे बिजनेस के रिगार्डिंग अकाउंट्स हो गए वहाँ पे, फिर आपके आप बोल सकते हो कि कॉर्पोरेटिव कम्युनिकेशन वाले जो डिपार्टमेंट है वहाँ आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, कॉर्पोरेटिव प्लानिंग डिपार्टमेंट्स का होता है उसको ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, या फिर क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो पार्ट होता है उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, या फिर इसके अंदर भी आप लोग IT डिपार्टमेंट होता है, इकोनॉमिक एनालिसिस डिपार्टमेंट होता है, डेटा मैनेजमेंट वाला एक डिपार्टमेंट होता है आपके पास में, देन फिर आप लोग इसी तरह के मतलब कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स ऑफ बोल सकते हो सुपरविजन वाला पार्ट हो गया इसके अंदर, है ना, तो ढेर सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग जो आप लोग यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हो, और उन डिपार्टमेंट में से किसी भी डिपार्टमेंट्स के अंदर आपकी जो है पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। सैलरी की अगर बात करें तो देखो सैलरी काफ़ी बेहतर है इसके अंदर, है ना, आप ये मान के चलिए कि अप्रोक्सीमेटली 24 लाख पर एनम की आपकी सैलरी रहने वाली है, अप्रोक्सीमेटली 24 लाख पर एनम की सैलरी रहेगी। इसके साथ साथ ही आपको पता है कि नाबार्ड के अंदर भी कई सारे आपको पर्क्स, अलाउंसेस और पोस्टिंग काफ़ी बेहतर है इसके अंदर, ठीक है। और पोस्टिंग की अगर बात कर लें यार, तो कभी भी ऐसे रूरल एरियाज वगैरह में पोस्टिंग आपकी नहीं रहेगी, है ना, स्टेट कैपिटल्स में या फिर मेट्रो सिटीज़ के अंदर ही आपकी पोस्टिंग इसकी कराई जाएगी मेनली, ठीक है। और वर्क लाइफ बैलेंस्ड है, मतलब आपको डायरेक्ट पब्लिक डेलिंग नहीं है यहाँ पर भी, है ना, तो वर्क लाइफ का कोई लोड नहीं है, मंडे टू फ्राइडे की आपकी जॉब रहेगी, सैटरडे संडे आपका यहाँ पर भी ऑफ रहेगा, ठीक है। सो
आप लोग देख सकते हो कि नाबार्ड की जो जॉब है वो भी काफी बेहतर है। और एक बार अगर आप कम एज में ज्वाइन कर लेते हो, है ना, कम एज में अगर आप ज्वाइन कर लेते हो नाबार्ड ग्रेडी के तौर पे, तो आगे के लिए भी काफी सारी चीजें हैं। जैसे असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर जब ज्वाइन करोगे तो उसके बाद में जो ग्रेड बी वाली जो पोस्ट होती है, जैसे बहुत सारे बच्चे जो आरबी ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे आपने से, है ना, वो यहाँ पर ज्वाइन करेंगे मैनेजर वाली पोस्ट पर। तो आप लोग असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर भी अगर ज्वाइन करोगे तो यहाँ से यहाँ पर जंप करना भी आसान है, ठीक है, थोड़ी मेहनत लगेगी जरूर से। उसके अलावा अगर बात करें तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर AGM, देन डेप्यूटी जनरल मैनेजर हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, चीफ जनरल मैनेजर हो गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, देन डायरेक्टर, ठीक है। तो ये एक हायरार्की है नाबार्ड ग्रेड एक में, है ना, तो कोई भी पोस्ट छोटी नहीं होती है, है ना। तो ये नहीं सोचना है कि मतलब किसी तरह की नेगेटिविटी के साथ प्रिपरेशन कभी होती नहीं है यार, है ना, तो नेगेटिविटी बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं आने देनी है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में बात ये होती है कि जॉब अच्छी है, सैलरी अच्छी है, सब कुछ बेहतर है, ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या है। तो देखिए हमेशा आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं कि प्रिपरेशन जब करते हो आप लोग, तो या तो सेल्फ कर लें ना, या तो सेल्फ प्रिपरेशन करें। तो सेल्फ प्रिपरेशन अगर करते हो तो उसके लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिएगा किसी भी प्लेटफॉर्म की, टेस्ट सीरीज लेना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा दूसरा होता है कि किसी पेड बैच के अंदर एडमिशन लेना। तो दोस्तों अगर आप बिगनर हो, फ्रेशर हो, तो आपके लिए सजेशन सिर्फ इतना सा रहेगा कि किसी पेड बैच में एडमिशन जरूर लेना, क्योंकि वहां पर क्या होगा कि बेसिक से एडवांस लेवल तक की हर वो चीज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है, वो सारी की सारी आपको करा दी जाएगी, ठीक है। सारे सब्जेक्ट की आपकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है वो हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ESI और ARD के अंदर आपको अच्छा खासा नॉलेज चाहिए होगा, क्योंकि फेज वन के अंदर भी और फेज टू के अंदर भी है ना। तो फेज वन के हिसाब से किस तरह के क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी, फेज टू के हिसाब से किस तरह के क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी, वो आपको पता करना होगा, ठीक है। तो अगर टाइम है आपके पास, इनफ टाइम, तो आप सेल्फ स्टडी के साथ जा सकते हो, अदरवाइज एक पेड बेच ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पर जो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज होगी, हर एक सब्जेक्ट की डेडिकेटेड फैकल्टीज है, उनके साथ इन चीज़ों को आप डिस्कस कर पाओगे आराम से, ठीक है। तो देखिए फिलहाल में क्या है कि रामनवमी, आपको पता ही है सभी को कि रामनवमी के उपलक्ष्य में भी 24/7 पर भी क्या है कि सारे जो महापैक्स हैं उन सभी पर डबल वैरायटी के साथ साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। बस ध्यान रखिएगा जो रेफरल कोड आपको यूज़ करना है, दैट रेफरल कोड शुड बी Y710 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स। चलिए दोस्तों, आज के लिए फिर हम लोग इतने रखते हैं ना, मिलेंगे अगले सेशन में। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो बन सकता है वो हो सकता है बैंक महापैक प्लस या फिर रेगुलेटरी बॉडीज का महापैक। तो दोनों में से किसी भी एक को ले सकते हैं, या तो बैंक महापैक प्लस ले लीजिए या फिर रेगुलेटरी बॉडीज का महापैक लीजिए, दोनों ही बेस्ट है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। सो दोस्तों लास्ट थिंग, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक।